गाइस क्या आपको पता है, मेगा स्टोन से पहले कुछ और स्टोन भी थे जो कुछ पोकेमोन को कमाल की पावर देते थे, लेकिन कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, अनलिमिटेड टाइम के लिए, जिन्हें हम एवोल्यूशनरी स्टोन कहते हैं। और ये जनरेशन 1 में इंट्रोड्यूस हुए थे और जनरेशन 2 में एक देखा गया था। जनरेशन 4 में तो कई आए थे यार, और जनरेशन 7 में भी देखा गया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टीवन अपने काम पर लगा हुआ है, क्योंकि स्टीवन स्टोन का काम ही है स्टोन ढूंढना, और वह अच्छे से कर रहा है। यानी जनरेशन 9 में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टोन आए जो कुछ और पोकेमोन को अलग ही पावर पर ले जाएं, या फिर नए वेरिएंट दिखाएं। तो खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 स्टोन जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके बेस्ट यूज़र के बारे में। तो नंबर 10 पर आ रहा है फायर स्टोन। फायर स्टोन के 4 यूज़र हैं, और इनमें से सबसे बेस्ट यूज़र मेरे हिसाब से नाइनटेल्स है, क्योंकि नाइनटेल यार मेरा फेवरेट पोकेमोन है, और ये एनिमी में जब जब आता है काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया जाता है। ये इजीली हारने वाला पोकेमोन नहीं है, और एक एपिसोड में ये बोलता था कुछ घोस्ट पावर थी और उसकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है यार, तो ये क्यों ना बेस्ट पोकेमोन माना जाए। तो मेरे हिसाब से फायर स्टोन के लिए सबसे बेस्ट यूज़र नाइनटेल्स है। आपका क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि आर्गेनन सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके गेम स्टैट ज़्यादा होते हैं। तो यार वो तो उनका ओपिनियन है, तेरा ओपिनियन क्या कहता है तू भी बता दे यार। मुझे लगता है आर्गेनन सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके स्टैट ज़्यादा हैं और वफादार भी है। मैंने पहले कहा ये तेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नाइनटेल के साथ ही रहेगा। नंबर 9 वाटर स्टोन। वाटर स्टोन का सबसे बेस्ट यूज़र पॉलीवेल होगा, क्योंकि वो पॉली रैथ बन जाएगा, और पॉली रैथ चक का बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसने पिकाचू की बैंड बजा दी थी। और हम उस दिन को कैसे बोल सकते हैं जब चार्जार्ड ने ऐस की बात मानी थी एक पॉली रैथ की वजह से। तो भाई मेरा भी ओपिनियन रहेगा कि पॉली रैथ सबसे बेस्ट यूज़र है वाटर स्टोन का, क्योंकि ये फाइटिंग टाइप बन जाता है जिसके कारण इसकी एबिलिटी भी बदल जाती है। इसकी एबिलिटी है कि डैम, जिससे ये एक्सप्लोजन जैसे मूव से आपको बचा सकता है। ये स्विम बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकता है, इतना फास्ट स्विम करता है और इतनी दूर तक स्विम कर सकता है कि चैंपियन को हरा सकता है और पैसिफिक ओशन को बिना थके पार कर सकता है। यानी कि आप इसके साथ पानी में भी जा सकते हैं, नाव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त माना जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या वाटर स्टोन का बेस्ट यूज़र पॉलीरेथ से अच्छा कोई हो सकता है? नंबर 8 थंडर स्टोन। थंडर स्टोन का सबसे बेस्ट यूज़र होगा पिकाचू, ये आपको लगता होगा, पर मेरा ओपिनियन कहता है कि आपको ईवी को करना चाहिए, क्योंकि ईवी जोल्टियन बन जाएगा जो वॉकनर के पास भी था, और वॉकनर सबसे पावरफुल जिम लीडर था सिनो का, और रेड के पास भी एक जोल्टियन था, जिसे आपको पता लग गया होगा कि जोल्टियन कितना ज़्यादा अहम पोकेमोन है ईवी के लिए। और ईवी के ऊपर किसी भी एलिमेंट स्टोन का यूज़ किया जाए तो वो उस एलिमेंट के इम्यून हो जाएगा, और ये काफ़ी कमाल की बात है एक एवोल्यूशन स्टोन के लिए। लीफ स्टोन के यूज़र कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लीफ स्टोन का यूज़ सिर्फ नज़लफ पे करना चाहूँगा, क्योंकि नज़ल लीफ सिफ्टरी बन जाएगा, और आपको पता ही है सिफ्टरी कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन हैगा, ये आपको टाइसन के पास देखा था और एक फ्रंटियर ब्रेन के पास भी था, उसका नाम मुझे याद नहीं, मगर काफ़ी कमाल का पोकेमोन लुक में भी लगता है, इसकी खासियत भी अच्छी है, और ये मिस्टीरियस पोकेमोन भी है क्योंकि डार्क टाइप हैगा। डार्क टाइप यार घोस्ट टाइप के बराबर ही होते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी आने वाली प्रॉब्लम से। तो नेक्स्ट है मूनस्टोन। मूनस्टोन यूज़र बहुत ज़्यादा पोकेमोन है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास जो दिख रहा है वो है निडोरिनो, जो निडो किंग बन जाएगा, जिसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है, लेकिन इसे पोकेबॉल में ही रखना, क्योंकि कभी कभी ये पागल सा हो जाता है तो इसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी पोकेमोन के लिए। नेक्स्ट है सनस्टोन, जो जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसके सारे यूज़र ग्रास टाइप हैं और ये कुछ ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन भी नहीं लगते, लेकिन अगर सनस्टोन का यूज़ करना ही है तो मैं हीलियोपटाइल पे ही करूँगा, क्योंकि ये हीलियोलिस्क बन जाएगा, और आपने देखा ही होगा हीलियोलिस्क कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जो क्लेमेंट के पास भी था। नेक्स्ट है साइनी स्टोन, जो बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये मेगा स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये किसी भी छोटे पोकेमोन को ऐसा एवोल्यूशन देता है जिससे उसके बेस स्टैट 100 से ज़्यादा ही बूस्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन बना देते हैं, जैसे कि टोगेटेक, जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा पोकेमोन था, उसे टोगेकिस बना के बहुत ज़्यादा सुपीरियर कर दिया उसे, और वहीं पर फ्लोटे, जो ठीक ठाक पोकेमोन नहीं था, उसे तो यार बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया, जिसके टोटल बेस स्टैट लगभग RK9 जितने हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन बन जाता है। तो मैं फ्लोटे को ही चुनना चाहूँगा फ्लोग्रेस बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है डस्क स्टोन, ये किसी भी पोकेमोन को हाईली एग्रेसिव बना देता है, जिससे उसके फिजिकल अटैक या स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, या किसी लेजेंडरी पोकेमोन को भी सरपास कर सकते हैं इसके बेस स्टैट। और इसी स्टोन के सिर्फ 4 ही यूज़र हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट यूज़र डबल एड है, क्योंकि डबल एड एजिस्लेस बनके उसका अटैक और डिफेंस दोनों ही बूस्ट कर देगा।
क्योंकि उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है, तो मेरा वोट भी एजी स्लेस को जाता है। डॉन स्टोन सबसे ज़्यादा रेयर स्टोन है और ये सिर्फ स्पेसिफिक जेंडर पे ही काम करते हैं। अगर किरला मेल हुई तब ये उसे गैलेट बना देगा, और स्नोरेंट अगर फीमेल हुई तो उसे फ्लोग्रास बना देगा, और ये ऐसा टाइप देता है उसे एक्स्ट्रा में जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, और उसे कई वेरियंट के मूव मिल जाते हैं जो उस पोकेमोन ने कभी सोचे भी ना हो। माना ये दो ही पोकेमोन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन बनाने में इसी स्टोन का हाथ है, क्योंकि ये टाइप चेंज करता है, उसके नए मूव देता है और काफ़ी कुछ अलग पावर भी देता है। आइस स्टोन भी एक तरह का एलिमेंट स्टोन है जो सिर्फ आइस वाले पोकेमोन पर ही वर्क करता है, तो यानी कि ईवी पे ये वैसे वर्क करेगा जैसे सारे स्टोन की तरह करता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस ये इंट्रोड्यूस लेट हुआ है। तो इसमें सबसे बेस्ट पोकेमोन मैं मानूंगा अरोरन बल्पिक्स को, क्योंकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी लग रही है इसमें पिछली वाली से, लेकिन नाइनटेल्स वही वाली मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन इसमें फेयर टाइप जुड़ जाता है तो मेरा चॉइस अरोरन नाइनटेल हो जाती है। तो गाइस ये थे 10 एवोल्यूशन स्टोन जिनके 10 बेस्ट यूज़र भी हैं, और इनकी पावर आपने देख ली होगी तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मेगा स्टोन से कितने ज़्यादा पावरफुल स्टोन है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेगा स्टोन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोन होते हैं। तो अगर आप वीडियो में इतना एंड तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कि अगर आपके 10 स्टोन होते तो आप कौन से पोकेमोन को इवॉल्व करते।